हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशिमा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का ब्लॉग मैंने सड़क से इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैं बाहर आई हुई थी। मुझे पापा ने पोस्ट ऑफिस भेजा था कुछ स्पीड पोस्ट कराने के लिए, बहुत दिन से पेंडिंग था, तो मैंने सोचा आज मैं इसे करके फाइनली ख़त्म कर ही डालती हूँ। और बहुत दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि डुगू के पहले एग्ज़ाम्स चल रहे थे और फिर उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ऐसे ख़राब हुई कि एक हफ्ता निकल गया उसकी तबीयत को ठीक होने में। आपको पता ही आजकल मौसम बदल रहा है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कफ और चेस्ट कंजेशन से परेशान हैं, तो डुगू भी उनमें से एक ही बचा था। और जी, बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है, अब वो कल से स्कूल जाया करेगा। तो रास्ते में पापा ने मुझे कहा था कि मैं आते समय एक वाइट पेंट का डब्बा ले आऊं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कुछ ऐसी गैलरी में जगह है ना जहाँ पर पेंट निकल रहा है और कुछ ऐसे टैप्स हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा रस्ट भी आ रहा है, तो पापा उसको पेंट करना चाह रहे थे। तो मैं अपने पापा को कितना भी मना करूँ कोई काम करने से, वो मानते नहीं हैं। तो ये मैं लेके जा रही हूँ ताकि वो मेरे पे नाराज़ ना हो। अगर नहीं लेके जाऊँगी तो फिर वो अपने आप जाके ले आएंगे, तो इट्स बेटर कि मैं खुद ले जाऊँ। और घर पहुँची तो डुगू जी पहले से तैयार थे मुझे अपना साइंस का लेसन सुनाने के लिए। मैं ऐसे काम लेके गई थी कि भाई जब मैं वापस आऊँ तो ये काम करके रखना, क्योंकि क्या एग्ज़ाम टाइम जब आ जाता है तो फिर एकदम से बर्डन आ जाता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, फिर ये थोड़ा सा पजल सा हो जाता है। तो अभी मैं इसे बिठा के गई थी कि भाई शुरू से जो है अपना पढ़ाई का ध्यान रखो, अब बड़े हो गए हो और मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी सी कम करो जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो यहाँ पे ये मुझे सुना रहा था, अब इसके जैसे जैसे चैप्टर्स ख़त्म होते जाते हैं ना, थोड़ा सा मुझे भी रिलीफ मिलता है कि हाँ ठीक है, इसकी पढ़ाई जो है वो ख़त्म हो रही है, कंप्लीट हो रही है। और नए टेस्ट, आपको पता है आजकल हर दूसरे महीने तो टेस्ट होने लग जाते हैं। तो ये सब करने के बाद ना मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को क्या खाने में बनाना है, और कोई सब्ज़ी मुझे समझ आ भी नहीं रही थी और थी भी नहीं, और मेरे को इतना ध्यान नहीं था कि मैं रास्ते से लेती हुई आऊँ। तो ये घर में आलू पड़े थे तो आलू से बेटर ऑप्शन मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, तो मैंने इसी की सब्ज़ी बना दी। लाइक आलू, आपको पता है कि आप किसी में भी डाल लें, दाल में डाल लें, सब्ज़ी में डाल लें, इसका पराठा बना लें, सैंडविच बना लें, ये हर चीज़ में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इतना गर्म था ना ये कि मेरे से छिला भी नहीं जा रहा था, लेकिन हम ऑलरेडी लेट थे तो इससे ज़्यादा लेट और ना हो जाए तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं फटाफट इससे कुछ ना कुछ बना लूँ, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा लेट होने लग जाता है ना डुगू हल्ला करने लग जाएगा कि खाना दे दो, खाना दे दो। और अगर खाना लेट हो जाता है तो फिर वो कुछ भी पकड़ लेता है, चिप्स पकड़ लेगा, कुछ कुकीज़ पकड़ लेगा, केक खा लेगा, और जब खाने का टाइम आएगा फिर बोलेगा मैं अभी नहीं खाऊँगा, मैं थोड़ी देर बाद खाऊँगा। तो टाइम से खाना बना के ना उसे देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो है जंक कम खाए। अभी वैसे भी उसे कफ है इतना ज़्यादा, तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो चिप्स या कुकीज़ वगैरह ले, क्योंकि उससे ज़्यादा कफ और ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे आलू की मैंने सोचा कुछ भी करके मैं फटाफट ये तैयार कर दूँ 10-15 मिनट में, और उसके बाद रोटी बना दूँ ताकि वो आराम से खा ले। बच्चे ना बड़े शैतान होते हैं, जैसे थोड़ा सा टाइम अप होने लग जाता है ना तो वो ऑप्शंस देने लग जाएगा मुझे कि देखो अब तो लेट हो गया है, आप मुझे ये दे दो वो दे दो, लेकिन मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तो यहाँ पे टमाटर और प्याज का मैंने तड़का लगा के आलू इसमें डाल देने हैं, फटाफट से सब्ज़ी बन जाएगी। थोड़ा सा ऊपर से धनिया से गार्निश कर दूँगी तो बस मेरी सब्ज़ी कम्प्लीट है। और मैं आपको बता दूँ कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी शाम होने वाली है और मैं आज सोकर बहुत लेट उठी थी, इसे लेट सोकर लेट क्या उठी थी। मेरे घर में एक बहुत ही गंदा सा नियम है कि जब मैं सो रही होती तो मुझे कोई उठाता नहीं है। डुगू तो वैसे नहीं उठाता, पापा भी नहीं उठाते, पापा सोचते रहते हैं कि ये थकी हुई है, पढ़ा के काम करके थकी होगी, तो वो भी मुझे बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। मैंने ना डुगू के लिए थोड़े से ओट्स और चिया सीड्स जो है वो दूध में भिगो के रख दिए थे, और शाम को अक्सर मैं उसे ऐसी कुछ चीज़ें दे देती हूँ जिससे उसका पेट भर जाए। और मैं आपको सच बताऊं तो जब से उसको चश्मा लगाया ना तब से मैं उसकी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, और जब उसको पहली बार हम चेक करवाने गए थे तो डॉक्टर ने मुझे तब कहा था कि जितना इसका नंबर है ये बढ़ना ही बढ़ना है, आगे रुकेगा नहीं। लेकिन जब हम सेकेंड टाइम दिखाने गए थे तो डॉक्टर बहुत खुश हुए थे, डॉक्टर ने कहा था कि जितना इसका नंबर है वहीं पर ही रुक गया है, जो बहुत कम केसेस में होता है। तो फिर डॉक्टर ने, मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मैंने इसकी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया है, तो डॉक्टर कह रहे थे कि हाँ डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इसी की वजह से जो है इस बच्चे का जो है नंबर जो है चश्मे का वो बढ़ा नहीं है। तो यहाँ मैंने
इसकी चिया सीड्स और ओट्स में जो है मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, जिसमें पम्पकिन सीड्स, आंवला और क्रैनबेरी और काजू और आमंड्स हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसको आंवला जो है ना वो किसी तरह से खिलाऊँ, मुरब्बा ये उतनी अच्छी तरह से खाता नहीं है, तो इस वाले ड्राई फ्रूट में जो है आंवले का जो आंवले की जो कैंडी है वो मिक्स आती है, तो ये बड़े शौक से खा लेता है और इसको ओट्स के अंदर पता भी नहीं चलता है। तो ये देखिए इस तरह से कलरफुल सा बन गया है और देने में भी अच्छा लगता है, बच्चों को खाने में भी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बनाती हूँ जितना है कि ये खा सके। मैंने जस्ट रियलाइज़ किया है, कुछ दिनों से रियलाइज़ कर रही हूँ मैं कि मैंने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया, बहुत ज़्यादा। मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी कि मैं अपना एक नॉर्मल रूटीन जो है वो स्टार्ट करूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे कर लेना चाहिए इससे पहले कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट आने लगे कि मैं अपनी बॉडी को ख़राब कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहली चीज़ तो ये करूँगी कि मैं रात को कभी भी सोने से पहले अपना फ़ोन जो है वो साइड कहीं दूर रख दूँगी, जिससे मैं रात को ना देखूँ, क्योंकि एक बार मैं अगर फ़ोन टच कर लूँ ना तो फिर मैं देखती रहती हूँ, फिर मेरे एक डेढ़ बज जाते हैं और मेरी नींद कम्प्लीट नहीं होती है, फिर सुबह मैं ऐसे उठती हूँ तो क्या होता है कि मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। तो वो चीज़ जो है वो मुझे अपनी ठीक करनी है। मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं फ़ोन जो है वो बेड पे ले जाती हूँ और फिर रात भर देखती रहती हूँ, जब तक तो मुझे बहुत ज़्यादा थक नहीं जाती, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ नहीं जाती, तब तक मैं कंटिन्यूसली देखती रहती हूँ। ये चीज़ ना मैंने आज ठीक करनी है, मैं बिल्कुल लेकर नहीं जाऊँगी, मैं अपना फ़ोन जो है ना वो चेस्टर में कहीं अंदर रख दूंगी साइलेंट मोड पर रख, क्योंकि मुझे पता नहीं चले मेरा फ़ोन है कहाँ। बज गए 11 और हम जा रहे हैं सोने के लिए। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार एंड गुड नाइट। गुड नाइट कह दो, गुड नाइट कह दो। ये नाराज़ है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा भी फ़ोन नहीं दिया आज, तो इसलिए इसका मूड ऑफ है। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय।